हर साल कांची और रोहन गणपति बप्पा को अपने घर बुलाते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कांची सिंह को कैसा लग रहा है गणपति बप्पा को अपने घर बुलाते हैं। हेलो मैम, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा ढेर सारा बधाई हमारी तरफ से आपको गणपति का। और मैं कहना चाहूँगा कुछ, क्या कहना चाहेंगे इस बार गणपति में? गणपति 22nd ईयर है हमारे घर पे गणपति आ रहे हैं। एंड जब से मैं पैदा हुई तब से मैंने देखा है कि आते हैं, फिर 10 दिन के गणपति रखते हैं हम। मुझे लगता है कि जितने दिन उनके होनी चाहिए उतने दिन उन्हें रखना चाहिए। ऑब्वियसली कुछ लोग डेढ़ दिन रहते हैं बिकॉज ऑफ बिजी विद द वर्क, बट मेरे मॉम डैड तो वो सब आ रहे थे। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई फील फॉर्चुनेट कि मेरे घर पर आते हैं। एंड इस साल अलग है थोड़े से, इस साल दग्गू सेट आए। हर साल हम कुछ सारा राष्ट्र बनाया जाए, इस साल दग्गू सेट आए हमारे घर। और कलर भी कंसिस्टेंट है बहुत ज़्यादा। सो पिछली बार थोड़े से पर्पल ब्राउन नोट पे थे, इस बार एकदम वाइट एंड बहुत प्रिटी है। और इस बार जो है कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप पूरे मुंबई घर को, साथ में पूरे दुनिया वालों को, कि क्या कहना चाहेंगे गणपति कैसे रखना है, क्या करना है? सच कहो तो गणपति जी का कोई ऐसा दिन नहीं होता है, ये तो एक त्यौहार है जो हम मनाते हैं। तो जितना भी आप इन्हें मान रहे हैं, मैं सकता है कि अपनी दिल से मानिए, पूरी श्रद्धा से मानिए एंड बस अच्छे से इन्हें रखिए और इनकी सेवा कीजिए। थैंक यू सो मच मैम हमारे चैनल पर आने के लिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय चैनल।